फ्रेंड्स, आज मैं फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ एटम एंड मॉलिक्यूल्स। एटम मॉलिक्यूल्स मैटर्स, ये पदार्थ हिंदी में कहते हैं। ये ऋषि कन्नाद पहले बताया था कि जो पदार्थ है ये किससे मिलके बना है, ये मिलके बना है परमाणु से। ठीक है, इसके बाद डाल्टन ने बताया कि एटम से बन के मिला है ना, परमाणु को एटम कह दिया। लेकिन बात देखिए, एक और इंडियन साइंटिस्ट हुए, बकुडवा कटियायामा, इसने क्या बताया था, स्मॉल पार्टिकल वो एटम और मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, कॉम्बिनेशन फॉर्म एटम मॉलिक्यूल्स, और सेम जो है ऑल मैटर है मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एटम कह दो चाहे मॉलिक्यूल्स कह दो, ठीक है, एटम से मॉलिक्यूल बनता है और मॉलिक्यूल से पदार्थ बनता है, हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो हर एक मॉलिक्यूल और एटम की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, तो हर एक मैटर की भी अलग अलग प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, अंडरस्टैंड, हर एक जो है मैटर जो है किससे मिलकर बना, एटम से बनता है मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल से बनता है पदार्थ या मैटर, तो उसकी अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि एटम और मॉलिक्यूल्स की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है, इसी सब की अलग अलग प्रॉपर्टी होगी, डिपेंड किस पे करती है, मॉलिक्यूल पे। अब ये लॉ है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, तीन लॉ है केमिकल कॉम्बिनेशन। नंबर एक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ऑफ मैटर, नंबर दो लॉ है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रॉपर्टीज। ये दो लॉ तो आपको पढ़ाए जाएंगे, पर ये तीसरा लॉ है, ये हायर क्लासेज में होगा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रॉपर्टीज। ठीक है, अब ये लॉ ऑफ, ये पढ़ा रहा हूं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये लोएस्टर ने कहा था, कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब कि जो इधर तो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है उन दोनों का मास बराबर होगा, चाहे वो गैस हो चाहे वो एयर में हो चाहे वो कुछ भी हो, सब मिला के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट उनका मास बराबर होगा, रिएक्टेंट और जो उसका प्रोडक्ट बनेगा उसका, चाहे उसमें गैसी जो प्रोडक्ट में चाहे कुछ हो, सबका मास मिला के उसका मास बराबर होगा, इसलिए मास का लॉस नहीं होगा, ना तो हम किसी मैटर को बना सकते हैं ना उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मीन्स द केमिकल रिएक्शन इज टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट इक्वल टू टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट, जो प्रोडक्ट बनेगा और जो रिएक्टेंट होंगे इनका मास दोनों का बराबर होगा। ठीक है, अब कैल्शियम कार्बोनेट सौ ग्राम लिया हमने, हीट करा, कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना, ये 100 ग्राम लिया, 56 ग्राम ये बना, 44 ग्राम ये बना, तो ये भी 100 हुआ ये भी 100 हुआ, तो इसका मतलब कि इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, और
हम और उदाहरण बता सकते हैं, ये एक बीकर में हमने एक बीकर लिया, एक कोर्क लगा दी, इसमें ये धागे से एक टेस्ट ट्यूब लटका दी हमने, इसमें बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन लिया और इसमें सोडियम सल्फेट, ठीक है, इन दोनों का हमने नाप लिया क्योंकि अपने इसमें कोई रिएक्शन नहीं हुई, फिर से धागे को छोड़ दिया, इसमें रिएक्शन होगी, रिएक्शन होने के बाद बेरियम सल्फेट बना और प्लस सोडियम क्लोराइड बना, तो इसका मास और इसका मास मिला के बराबर होगा, ठीक है, ये आ गया आपका, ठीक है, उसके बाद है लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रॉपर्टीज, इसका क्या मतलब है, मतलब है कि पर्टिकुलर जो पदार्थ है, मतलब जो आपका मैटर है वो जिस मॉलिक्यूल से बना है, मान लो दो मॉलिक्यूल है उसके अंदर, तो हम जैसे वाटर ही ले लिया है ना, वाटर एक तरह का एक मैटर है और एक तरह का लिक्विड है, चाहे सॉलिड लिया या गैस लिया, तो उसमें जो है हम कहीं भी चले जाएं, उन दोनों को हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है उनका कम्बिनेशन बराबर होगा, मतलब वो दोनों बराबर जो है, मतलब बराबर का मतलब ये नहीं कि मतलब वो ही कम्बिनेशन होगा, एक आठ पार्ट है, एट है तो एक वन होगा, एच टू में जैसे ऑक्सीजन एट होता है, हाइड्रोजन वन होता है, तो इस तरह से हम यहाँ से ले लें, झील का पानी ले लें, समुद्र का पानी ले लें, उसका कम्बिनेशन सेम होगा वाटर का, ठीक है, तो केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ द सेम केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइन टुगेदर इन द सेम प्रपोर्शन, ठीक है, सेम प्रपोर्शन में मिलेंगे। अब ये हाइड्रोजन और 100 ग्राम वाटर लिया हमने, इसको हमने डिकम्पोज किया, इससे हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ठीक है, अब ये 11 ग्राम तो ये आया और 89 ग्राम ये आया, तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या हुआ इसका 1:8, ठीक है, तो इसका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो इस केमिकल कंपाउंड में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के जो वाटर बनेगा उसमें सेम रहेगा, हाइड्रोजन 1 पार्ट और 8 पार्ट ऑक्सीजन रहेगा, मतलब हम वाटर को इसे जो है कम्बिनेशन चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसे अमोनिया ले लो NH3 है ना, नाइट्रोजन 14:3, 14 भाग तो इसका होगा, 3 भाग हाइड्रोजन का होगा, ठीक है, जब भी अमोनिया बनेगी कैसे भी बने, कोई सी भी रिएक्शन में बने है ना, कहीं से भी अमोनिया में मिले तो उसमें 14 होगा और 13 होगा, तो इसको क्या कहेंगे, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रॉपर्टी, केमिकल कंपाउंड ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइंड टू राइज इन द सेम प्रोपोर्शन, सेम प्रोपोर्शन में मिलेंगे, प्रोपोर्शन सेम है, ठीक है,
अब ऐसे जो है बस ये दो लाते हैं मैंने आपको बता दिए, आज ये मैं थोड़ा ही पढ़ा रहा हूँ और मेरे इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय।